हेलो एवरीवन, 20 फरवरी 2024, जहां से कल का व्लॉग मैंने एंड किया था रात के 12 बजे, अभी रात के 12 बज के 8 मिनट हुआ है और आज की शुरुआत हुई है बेटे को फीवर की दवाई देने से। फीवर हो गया था रात को, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है और उस दिन भी वो स्कूल में भी गया 20 फरवरी को और वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि मेडिसिन टाइमली दे दी गई थी और नेबुलाइजर भी टाइमली दे दिया गया था। और फिर मेरी जो पढ़ाई वाली शुरुआत है वो सुबह के 4 बजे से शुरू होती है, लेकिन कुछ खास पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई क्योंकि बेटे की ना एक हैबिट है कि उसको पास में कोई ना कोई चाहिए रहता है जब वो सोता है, तो उसको थोड़ी सी देर में फील हो जाता है कि कोई मेरे पास नहीं है। वैसे तो मैंने सुबह 2-3 बजे भी उठने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वही था कि थोड़ी देर उठते ही उसको लग जाता था कि मम्मी पास में नहीं है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, मेरे को पढ़ाई करते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो उठ गया, उसने आवाज़ें देना शुरू कर दिया, मम्मा मम्मा, और फिर मैं उसके पास चली गई। उसके बाद मैंने फिर से उसका फीवर चेक किया एंड बाय गॉड ग्रेस अभी बिल्कुल वो ठीक था, कोई फीवर नहीं था, एकदम नॉर्मल था। तो यहाँ पे थोड़ा सा राहत मिली कि रात के 12 बजे से और सुबह के 5 बजे तक कोई फीवर नहीं है। जैसा कि मैंने कल बात की थी कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे मेन होता है पॉजिटिव लोगों के पास में रहना और नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना, चाहे वो घर के ही मेंबर क्यों ना हो। लेकिन घर के मेंबर से दूर ऐसे होने को बोला था कि उनके पास मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिए, लेकिन दूर तो कहाँ ही जा सकते हैं यार, अब घर से भाग तो नहीं सकते ना। लेकिन किसी का फिर मैसेज आया था कि मेरे घर में तो 9 मेंबर हैं और शायद वो ये बोलना चाह रही थी कि मेरे तो चारों तरफ ही नेगेटिविटी है, मैं कहाँ कहाँ से भागूं। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि बी ब्रेव ऑन योर डिसीजन, जो भी आपने डिसीजन लिया है उस पे कायम रहिएगा। जो पढ़ाई आप करना चाहती हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ भी आप अपने सपने पूरा करना चाहती हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि फाइंड फॉल्ट विद इन यू नॉट इन अदर्स। आप यकीन मानिएगा कि जब आप खुद के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देंगी ना, दूसरों की सिर्फ अच्छाइयां देख लीजिए कि हाँ किसी ने किसी बंदे में इतनी कमियां हैं, नेगेटिविटी है, जो मेरे घर के मेंबर है उसमें अच्छाई तो कुछ ना कुछ होगी। जब आप ये देखना शुरू कर देंगे ना, तो आप ब्लेम नहीं करेंगे। एंड प्लीज डोंट ब्लेम एनीबडी, ऑल द थिंग्स विल कम विद मैच्योरिटी। सब कुछ जब एक ऐसा दौर ना, मेरा भी ऐसा था कि मुझे ना हर किसी की बातें फील होती थी, होती है एक टाइम पे जब तक हम मैच्योर नहीं होते ना, 20 की एज में कोई कुछ भी बोल देता था ना, तो वो नेगेटिव चीजों का इम्पैक्ट इतना होता था कि उस टाइम पे उस घंटे में तो दुखी होता ही था, वो पूरा दिन इसी दुख में निकल जाता था कि इस बंदे ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, 30 की एज स्टार्ट हुई, वहां तक ये लगने लग गया था कि जब मैं खुश रहना चाहती हूँ ना, तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, दूसरे वाला बंदा कुछ भी करे। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमसे बिना बात कही बात करना बंद कर देता है या फिर कोई ऐसी चीजें होती है, तो मैंने मन में एक चीज ठानी थी कि जो मेरा अपना है ना वो मेरे पास में रहेगा, मुझे ना उसको कुछ भी एक्सप्लेन करने की नीड है ना कुछ। और अगर जो मेरा अपना है ही नहीं तो वो दूर जाके ही रहेगा, उसको मैं कितना ही खींच लूं, कितना ही पकड़ लूं। तो हमें ना ये बातें ना पूरा समझ लेनी है कि कोई कुछ भी कहे, ठीक है, उसका असर ना हमें थोड़ी देर होगा। कि जैसे मैं ये कह दूं कि बिल्कुल ही नेगेटिव चीजों का वो नहीं करना चाहिए, देखिए असर होता है, अभी भी होता है, लेकिन फर्क कहाँ पे आता है मैच्योरिटी के साथ में, कि मैच्योरिटी जब होती है ना कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको उस पल को लगेगा कि यार ये ऐसा क्यों बोला, लेकिन आप थोड़ी देर बाद ना उसको टैकल कर लोगे। आप पूरा दिन अपना पूरे घंटे उसमें वेस्ट नहीं करोगे, जो आपने लक्ष्य बनाया है ना आप उसमें लग जाओगे, यही फर्क होता है मैच्योरिटी का। नहीं तो आंख बंद करके हम थोड़ी ना किसी को ये कि भैया मुझे बुरा कहता रहे, मुझे बुरा ही नहीं लगेगा, बुरा सबको लगता है, लेकिन फर्क यहाँ पे आ जाएगा कि कितना देर आपको बुरा लगा, आपने उस बात को कितना देर तक खींचा। और आप यकीन मानिएगा जब आप में मैच्योरिटी आने लगेगी ना, तो अपने आप रियलाइज करोगे, आपको दूसरों की बातों का बुरा लगना बंद हो जाएगा। और एक बार को लगेगा बुरा, लेकिन तुरंत आप ये सोचोगे कि नहीं यार, इसने जो बोल दिया बोल दिया, लेकिन मेरा खुश रहना मेरे ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे की बात पर निर्भर नहीं करता है। किसी भाई साहब का मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि मैडम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो, आपने बताया आपके हस्बैंड तो सरकारी विभाग में ऑफिसर हैं, आप अपने भाई, यानी कि वो अपने बारे में बात कर रहा था कि जो भाई हैं कुंवारे उनकी तरफ तो देखो, जो शादीशुदा महिलाएं होती है ना वो फ्री रहकर पढ़ाई करती हैं, जिन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, घर को संभालने वाला सब कुछ होता है, उनकी जो एक सीट है वो महिला खा जाती है, यानी लड़के जो घर को संभालते हैं उनकी सीट, जो ये गवर्नमेंट सीट बोलना चाह रहे हैं शायद, वो एक महिला खा जाती है। तो भाई साहब आप जो ये बोल रहे हैं ना कि शादीशुदा महिलाएं फ्री रहकर पढ़ाई करती हैं, अपनी मम्मी को देख लीजिएगा, आपके घर में होंगी या बहन होंगी तो वो कितना फ्री रहती हैं, और जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, हाउस वाइफ हैं, वो कितना फ्री रहती हैं। मैं क्या बोलूं आपकी सोच का ना, कि वो लोग, उनको सिर्फ सैलरी नहीं मिलती है, जो हाउस वाइफ लेडीज होती हैं उनको सैलरी नहीं मिलती सिर्फ, लेकिन वो काम बहुत करती हैं और उसके साथ वो पढ़ाई भी करती हैं। यार आपकी वाइफ का क्या होगा, आप प्लीज अपना सोच को सुधारिए।
और भाई आपको अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं है क्या? सब अपनी मेहनत का ही फल पाते हैं, कोई दूसरे की मेहनत को ऐसे जाया नहीं कर सकता। आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए भाई और भगवान पे विश्वास रखिए। अगर आप अपनी मेहनत अच्छे से करेंगे तो कोई भी शादीशुदा महिला आपका हक नहीं छीनेगी, आपकी नौकरी वो नहीं लेके जाएगी। वो अपनी मेहनत कर रही है, आप अपनी मेहनत करिएगा। और रही बात हस्बैंड की नौकरी की, हाँ मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी पे हैं, अफसर हैं वो सरकारी, और मैं भी थोड़ा बहुत वर्क फ्रॉम होम में कमा लेती हूँ। लेकिन क्या सब कुछ पैसा ही है? अभी मैं यूट्यूब पे हूँ तो मैं कुछ न कुछ अच्छा भला कुछ न कुछ तो बातें बता ही रही हूँ ना, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और अगर मैं सिविल सर्विसेज में जाती हूँ तो वहां पे भी मैं कुछ अच्छा करूंगी। हर किसी के ना कुछ अलग सपने होते हैं, और मैं नहीं रुकना चाहती कहीं पे। वर्क फ्रॉम होम जॉब बहुत अच्छी है मेरी, और मैं ये भी नहीं इसे जाया करना चाहती कि कितना कमा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा खासा कमा रही हूँ। लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता मेरे भाई, हमें अपने सपने भी होते हैं कुछ हर किसी के। जो शादीशुदा महिलाएं हैं ना, तो क्या वो इसमें सीमित रह जाएं कि घर का काम करें और वो अपने सपने पूरे ही ना करें? तो प्लीज आप अपनी सोच को बदलिएगा और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिएगा। एक और कमेंट था कि मैम मैं मॉर्निंग में ना उठ तो जाती हूँ, लेकिन पढ़ाई करते हुए पुरानी बातों में, पहली यादों में खो जाती हूँ, और मैं कैसे पुरानी यादों को ख़त्म करूँ? और मैं PCS की तैयारी कर रही हूँ। आप अकेली नहीं हैं दुनिया में जो पुरानी यादों में खोती हैं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। आप बस ये कर सकती हैं कि जिस पल में आप हैं उस पल में आप जीने का सोचिए, और बार बार अपने मन को लेके आइए आज में। पुरानी बातों में खोना कोई गलत बात नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, और आप अकेले नहीं हैं ऐसे। बस आपको ये करना है कि कोई बात नहीं, जो पुराना हो गया सो हो गया, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। अभी जो है, जो पल अभी मेरे हाथ में है ना, उस पल में मुझे क्या करना है, आप प्लीज उसके बारे में सोचिएगा। अब कुछ लोग इतने नेगेटिव होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि घर में ये काले चश्मे लगा के क्यों घूम रही है। तो पहले ही मैं बता देती हूँ मेरे भाई बहनों, ये काले चश्मे वो वाले चश्मे नहीं है, ये मेरे जो ग्लासेज है ना वो स्पेक्स हैं नॉर्मली, और ये नज़र वाले चश्मे ही हैं। बस ये धूप वाले हैं, जब हम कहीं बाहर धूप में जाते हैं तो ये काले हो जाते हैं अपने आप, बस इतना सा फर्क है। एक कमेंट आया था कि मैं ना PGT PGD की तैयारी कर रही हूँ। पिछले 3-4 महीने से मैं सुबह 3 बजे उठती थी, पहले पढ़ाई अच्छे से होती थी, लेकिन आजकल सुबह नहीं पढ़ा जाता तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? कभी कभी दिन ऐसे आते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप किसी टेंशन में हैं, आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो रही, नींद अच्छे से पूरी होने का मतलब 8 घंटे की नींद बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, जिनके पास प्रॉपर टाइम है, जो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बने हुए हैं अभी और कोई काम नहीं है उनके पास, वो जरूर 8 घंटे की नींद लें। 8 घंटे की नींद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो हाउसवाइफ है, जो वर्किंग वूमेन है या वर्किंग मैन है, वो 8 घंटे की नींद अपने सपने पूरे करते हुए नहीं ले सकते। तो इसलिए अच्छी नींद का मेरे मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आप 4-5 घंटे की नींद लेते हैं ना, वो अच्छे से लीजिएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। रात को सोने से पहले प्रभु का शुक्रिया करके बस ये बोल देना अपने मन ही मन में। देखिए जो मैं बात बोल रही हूँ ना, इससे मन बहुत हल्का होता है कि प्रभु जो आज मेरा दिन गया सो गया, जो मैंने गलतियां करी उसके लिए मुझे माफ करना, और मुझे कल के लिए और हिम्मत देना और ताकत देना ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। देखिए इन चीज़ों से ना पॉजिटिविटी बहुत आती है, और जितना आप खुद को पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आएंगे, उतना ही आप देखना कि इन चीज़ों का ना फर्क बहुत पड़ेगा। एक बार आप ट्राई करके देखना। मुझे लग रहा है सुबह आपके पढ़ाई नहीं हो रही ना, इसका मतलब है कि आपके मन में कहीं ना कहीं टेंशन है, पेपर को लेकर टेंशन हो सकती है, घर की टेंशन हो सकती है। तो आप ना सब भगवान पे छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी मेहनत करिएगा, जैसे पहले करते थे वैसे ही करिएगा, लेकिन उसके लिए आपके मन को आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। UPSC के लिए ना मैंने आप सबको कम्युनिटी टैब पे एक चैनल शेयर किया था, लेकिन मैं सही बताऊं 2 दिन के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला जो टारगेट्स सर दे रहे हैं ना, अपने आप में वो बेस्ट टारगेट हैं, लेकिन वो उनके लिए हैं जो फुल टाइम इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जो मेरे जैसे हैं कि जिनको घर भी संभालना है, कभी कभी बच्चा भी संभालना है, फिर अपना वर्क फ्रॉम होम पे भी ध्यान देना है, जिसको मिलता ही कम टाइम है। तो उनके लिए मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो रही है, क्योंकि ना अगर सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट लेके चलूं तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने पहले वाला सब्जेक्ट किया था उसकी मेरी रिवीजन छूट रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं ये सोच रही हूं कि इन दिनों में मैं पॉलिटीवी पढ़ूं, उसको 4 घंटे दूं, लेकिन साथ में 1-2 घंटा जो मेरा पहले मैंने एनवायरमेंट का सब्जेक्ट किया है उसकी रिविजन में, उसके जो ये PYQs अटेम्प्ट करने में या कहीं से MCQs अटेम्प्ट करने में दूं, ताकि मैं वो वाली चीजें भूलूं नहीं। और ये ना बहुत अच्छा तरीका है, किसी ने उससे पूछा था कि रिवाइज साथ के साथ कैसे करते रहें। आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट जैसे हो गया तो जब भी दूसरा सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के ना क्वेश्चन लगाते रहिए कहीं से भी, वो मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, वो PYQs हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट में तो क्लैरिटी आएगी ही आएगी, साथ में आपकी जो
चीजें हैं वो रिवाइज होती जाएंगी, और आपको ना लास्ट में ये नहीं लगेगा बिल्कुल भी, जो एक डर हमेशा मन में बना रहता है कि एक सब्जेक्ट तो कर लिया लेकिन जो पहले वाला सब्जेक्ट है वो तो हम सारा ही। देखिए जो मेरी आज की आवाज है ना उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ना मेरे को आज फिर ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा ना सांस चढ़ रहे हैं बोलते हुए, और एक मेरे ना स्पेक्स की पता नहीं प्रॉब्लम है, ये जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे करके कुछ बोलती हूँ ना तो स्पेक्स साथ में ही नाक पे आ जाता है, फिर ऐसा लगता है कि जैसे वो जुकाम होने के बाद आवाज निकलती है ना तो सेम मेरी ऐसी ही आवाज निकलती है। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आवाज के साथ में। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती हैं, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, करते हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हाँ जी, हासिल होने को होएंगी सफलता जो अपने वक्त और हालात पे नहीं रोएंगे बल्कि उन पे कंट्रोल करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। गुड नाइट।